नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नव भारती स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर प्रेमलता आज आपके समक्ष कुछ सूचनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर के उपस्थित हूं जो आपके होने वाली आगामी प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो स्टूडेंट्स, आप उन सूचनाओं को ध्यान से सुने और अपनी नोटबुक में नोट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एनुअल लेसन प्लान हमारे COVID-19 को देखते हुए आपकी क्लासें नियमित कुछ समय हो पाई हैं, कुछ समय नहीं भी हो पाई हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। तो स्टूडेंट, आप सुने कि वार्षिक पाठ योजना की डायरी में कैसे क्या करना है, डायरी को कैसे मेंटेन करना है, क्लासरूम में एंट्री आपको कैसे करनी है, जो आपके आने वाले एक्सटर्नल हैं उनके सामने आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या होना चाहिए, डायरी का पैटर्न क्या होना चाहिए, शिक्षण बिंदु के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से सहायक सामग्री का यूज़ करना है, आपकी ये सारी चीज़ों की सूचनाएँ मैं आपके समक्ष आज देने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को देखते रहिएगा। फर्स्ट जो हमारा बिंदु है वो आप ध्यान देने योग्य है, वो है कि वार्षिक पाठ योजना की डायरी में एक अच्छा टॉपिक लेकर पाठ योजना तैयार करनी है। नेक्स्ट, टॉपिक लेने के समय क्या ध्यान में रखना है, टॉपिक लेते समय हमें ध्यान में रखना है कि टॉपिक ऐसा हो जो छात्रों के लिए इंटरेस्टिंग हो, और टॉपिक ऐसा हो जिसके तीन शिक्षण बिंदु आसानी से बन रहे हों। तीनों शिक्षण बिंदुओं को आपको कैसे प्रदर्शित करना है ये मैं आपको लास्ट में एक डायरी के माध्यम से, बनाई हुई डायरी के माध्यम से आपको बताऊंगी। जब तक आप मेरी जो देन सूचनाएं मेरे दी जा रही हैं उनको आप ध्यान से सुनिएगा। तो स्टूडेंट्स, कक्षा स्तर के अनुसार सबसे पहले आपको जो टॉपिक लेना है वो कक्षा स्तर को देखते लेना है। कक्षा स्तर आपका क्या होना चाहिए, जैसे कि बीएड के लिए कक्षा स्तर 6 से 10th class का रहता है। 6 से 10th class की बुक आपके सब्जेक्ट अनुसार, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसके अकॉर्डिंग आप लें, उसमें से एक टॉपिक लें, उस टॉपिक को ऐसा लें कि वो इंटरेस्टिंग हो और उसके तीन शिक्षण बिंदु अच्छी तरीके से बन पाएँ या बन रहे हों, तो उसी पाठ योजना का निर्माण हमें उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही करना होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि शिक्षण, जब हम अपनी डायरी को तैयार करते हैं तो पहला पृष्ठ हमारा होता है वो हमें इस साइड से, यानी कि हमारी जो राइट हैंड साइड होता है उससे तैयार करना है। मेरी पहली वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। अब हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, हमें लिखने होते हैं कि व्यवहारगत परिवर्तन जो बच्चे के होते हैं वो किन किन चीज़ों से होते हैं। तो व्यवहारगत परिवर्तन आपने एग्जाम में भी दिया होगा कि 6 तरीके से व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, और ये तो होते हैं हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं आर्ट में, साइंस में, कॉमर्स में जो आते हैं, लेकिन जो भाषा के सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, उसके भी शिक्षण उद्देश्य तो होते ही हैं लेकिन इससे थोड़े अलग होते हैं। वो आपको मेरे कॉलेज की जो डायरी दैनिक पाठ योजना की दी हुई होती है, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या उसको पढ़ते नहीं हैं, आगे जितने भी उद्देश्य लिखे होते हैं वो आप ही की जानकारी के लिए वहाँ लिखे होते हैं। आज भी आपके पास वो डायरी, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ी हुई हो तो शिक्षण उद्देश्य आगे ब्लैक पेन से लिखे हुए होते हैं जो डायरी में छपवा कर हम आप तक पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उनको देखते हुए आप अपनी लैंग्वेज के भी जो शिक्षण उद्देश्य हैं उनको देख सकते हैं, और आपकी जो भी सब्जेक्ट है उसके शिक्षण उद्देश्य वहाँ से आप ले सकते हैं। शिक्षण उद्देश्य के प्रत्येक के दो दो पॉइंट भी आपको लिखने होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लिखा ज्ञान, तो ज्ञान के दो, ज्ञान को आगे, ज्ञान के जो भी लिखना है हमको दो और पॉइंट बनाने होंगे। जैसे मैंने एक टॉपिक लिया कि आपातकाल, जैसे आपातकाल के बारे में बच्चे प्रत्यास्मरण कर सकते हैं, या आपात के वाले बारे में बच्चे कुछ जानकारी रखते हैं, इस तरीके से आगे पॉइंट हमको बनाने होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अवबोध, अवबोध से रिलेटेड भी दो क्वेश्चन लेने होते हैं। तीसरा आता है ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग से रिलेटेड दो क्वेश्चन लेने होते हैं। फिर आता है कौशल, कौशल में हमारी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी से भी हमें दो क्वेश्चन, हम क्या चार्ट से बना रहे हैं, सारणी से बना रहे हैं, जो भी वगैरह वगैरह आपने होता है, उससे हम अपने जो ये शिक्षण उद्देश्य हैं उनको प्रदर्शित हमें करना है वो। और पांचवा होता है हमारा अभिरुचि, और छठा होता है अभिवृत्ति। इस तरीके से 6 शिक्षण उद्देश्य आपके होते हैं, उनको हमें डायरी में सबसे पहले फॉलो करना होता है। तो उनको फॉलो करते हुए हमें नेक्स्ट जब पहुंचना है तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कि अपने
ये सिर्फ अभी डायरी की बातें चल रही हैं, डायरी को किस तरीके से मेंटेन करना है उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें अपने जो भी 3 शिक्षण बिंदु हमने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिए हैं उनको और सहायक सामग्री में हमने क्या उपयोग किया है उसको हमें बनाना है। सहायक सामग्री शिक्षण विधि क्या थी, प्रविधि क्या थी, सहायक सामग्री में आपने क्या यूज़ किया है, चौक डस्टर पॉइंटर तो थे ही लेकिन आपने जैसे OSP से पढ़ा रहे हैं, PPT से पढ़ा रहे हैं या आप ऐसे ही चार्ट मॉडल से पढ़ा रहे हैं, उन सबको आपको ऊपर लिखना है और नीचे फिर हमको लिखना है कि शिक्षण बिंदु हमारे ये हैं। नेक्स्ट हम जब आते हैं फिर वही हमें पैटर्न फॉलो करना है, कैसे कि राइट हैंड साइड से लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले कुछ नहीं लिखना है लेकिन आगे जब प्रस्तुतिकरण जब होता है पाठ का तो हमको उसको फॉलो करना होता है। तो फॉलो करते समय हमें क्या करना है कि प्रस्तावना प्रश्न हमारे आते हैं। नेक्स्ट पहले आता है कि पूर्व ज्ञान, कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में जानकारी रखते हैं, पूर्व ज्ञान में जो भी हमें लिखना होता है। फिर उसके बाद प्रस्तावना आती है, प्रस्तावना हमारी क्वेश्चन से प्रश्न, प्रश्न से क्वेश्चन, आंसर से क्वेश्चन, इस तरीके से हमें हमारी प्रस्तावना को कंप्लीट करना होता है। प्रस्तावना कंप्लीट करने के बाद हमें उद्देश्य कथन करना होता है कि आज हम इस टॉपिक के बारे में, जो भी टॉपिक हमारा है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमारा प्रस्तुतिकरण है वो क्या है। तो स्टूडेंट प्रस्तुतिकरण में हमको जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड होता है उसमें सहायक सामग्री और राइट हैंड साइड में सबसे पहले शिक्षण बिंदु, नेक्स्ट में छात्राध्यापक क्रिया, उसके बाद आता है विद्यार्थी क्रिया और लास्ट आता है हमारा श्याम प्रसार। इस तरीके से प्रत्येक टीचिंग पॉइंट का एक पन्ना ही कवर करना है। नेक्स्ट पेज में हमको दूसरा शिक्षण बिंदु लेना है, ना तो हमें डेढ़ पेज में वो उसको ख़त्म करना है ना आधे पेज में हमें वो ख़त्म करना है। प्रत्येक शिक्षण बिंदु का एक पेज कवर करते हुए हमें 3 शिक्षण बिंदुओं को लिख देना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न भी सेम हमको राइट हैंड साइड में लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक ब्लैक बोर्ड जो होता है, कागज जो ब्लैक कलर का आता है, जो चार्ट आता है उसके ऊपर भी हम लिख सकते हैं अगर हम अपने उसमें कुछ क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं तो, वरना हम एक साइड में लिख के ही मूल्यांकन प्रश्न को छोड़ भी सकते हैं। डायरी बनाने का पैटर्न क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मेरे पास मैंने साइंस की डायरी को लिया है, साइंस की डायरी को, ये साइंस फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, आर्ट के सभी सब्जेक्ट, मैथ और साइंस, कॉमर्स के दोनों सब्जेक्ट जो भी हैं वो, और म्यूज़िक, तीनों के लिए ये सेम पैटर्न रहता है। लैंग्वेज को थोड़ा अलग होता है तो उसके लिए मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। वैसे मैंने पहले वीडियो में भी ये सब चीज़ें आपको पैटर्न फॉलो करने की वीडियो आपके लिए बनाई थी लेकिन फिर से मैं आपके लिए ये शॉर्ट रूप में बता रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि लेसन आपको किस तरीके से देना है, पाठ योजना में क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किस तरीके से आपको वो फॉलो करना होगा। तो अभी आप डायरी देख लीजिएगा स्टूडेंट्स की, डायरी में हमने देखिएगा कि वार्षिक पाठ योजना हमारी है और हमने कहाँ से इसको फॉलो किया है, हमने यहाँ से इसको फॉलो करना है, यहाँ से नेक्स्ट पेज में हमने कुछ नहीं लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हमने यहाँ से लिखे प्रस्तावना प्रश्न लिखे हैं, नेक्स्ट हमने इधर तो हमने टीचिंग जो सहायक सामग्री है वो लगाई है और यहाँ पे हमने 1, 2, 3 और 4 चार जो हैं कॉलम बनाए हैं और चारों कॉलमों को हमने कैसे शो किया है, उस पर पहला शिक्षण बिंदु लिखा है और नेक्स्ट हमने विद्यार्थी क्रिया, उससे आगे हमने नेक्स्ट हमने छात्राध्यापक क्रिया, नेक्स्ट विद्यार्थी क्रिया, उससे आगे श्याम प्रसार को हमने यहाँ पे लिखा है। फिर हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमने नीचे ख़त्म किया है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकेंड टीचिंग पॉइंट, सेकेंड टीचिंग पॉइंट हमने इधर से सहायक सामग्री पैटर्न फॉलो किया है क्योंकि हमने प्रत्येक फेज पे एक टीचिंग पॉइंट को ही पूरा किया है। और नेक्स्ट लास्ट आ जाता है हमारा तीसरा टीचिंग पॉइंट, वो भी हमने इसी तरीके से किया है। और लास्ट आता है मूल्यांकन प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न है वो भी हमने इधर की साइड यानी कि राइट हैंड साइड पे हमने लिखे हैं। इस तरीके से हमने डायरी का पैटर्न को फॉलो किया है। तो स्टूडेंट ये आपके सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर है। नेक्स्ट सूचना मैं आपको बताई दे रही हूँ कि एक्शनल जब आते हैं तो उस समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपके 75 मार्क्स का होता है, 75 मार्क्स आपके अपने हाथ में होते हैं क्योंकि जो एक्शनल बाहर से आपके लिए आते हैं, जो यूनिवर्सिटी निर्धारित करती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका सबसे पहले देखते हैं कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस लेवल को हमें डाउन नहीं होने देना है। जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, पहले से पढ़ा रहे हैं या एक्सटर्नल आके बैठ गए हैं तब पढ़ा रहे हैं, तो हमें वहाँ अपने आप को ऐसे शो करना है जैसे हमें पहले से बहुत कुछ आता है और हमें ही आता है कुछ। हम ये क्यों नहीं मानते कि हमें ही कुछ आता है और आगे सिर्फ ये तो हमें देखने के लिए बैठे हैं, दर्शक हैं। इस तरीके से हमें अपने जो वार्षिक पाठ योजना का प्रेजेंटेशन है वो पूरा करना है। नेक्स्ट सबसे पहले हमें
एक्सटर्नल क्लास में आते हैं या नहीं आते हैं, हमें अच्छे शिक्षाविद बनने के लिए अच्छे जब हम अच्छे बनेंगे तो हम आगे भविष्य में भी अच्छे बच्चों का निर्माण भारत देश के लिए करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहला होगा कि अपने नियमों को खुद स्वयं बनाएं और उस नियमों को हम फॉलो भी करें। नियम फॉलो करते समय हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कि हम जैसे ही एंट्री करते हैं, क्लासरूम में एंट्री करते हैं, तो हमें सबसे पहले बच्चों से परिचित होना है, यानी कि बच्चों को गुड मॉर्निंग जो भी हम बोलते हैं या परिचय जो भी देते हैं उसको देते हुए हमें ब्लैक बोर्ड जो वहाँ पे ग्रीन बोर्ड ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड जो भी आपको वहाँ अवेलेबल होता है उस पर एंट्रियाँ करनी होती हैं। एंट्री में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो आप सबसे पहले जब एंट्री हम करेंगे तो ब्लैक बोर्ड, जैसे ये ब्लैक बोर्ड मान के चलिए, तो हमें उस कॉर्नर पे क्या करना होगा, दिनांक लिखनी होगी, उसके नीचे हमें क्लास लिखनी होगी, उसके नीचे हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। नेक्स्ट हम बीच में आ जाते हैं, जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं उस सब्जेक्ट को हमें लिखना होता है, उसके नीचे प्रकरण लिख के छोड़ देना होता है, क्योंकि प्रस्तावना जब तक हम बच्चे के पूर्व ज्ञान को नहीं जानेंगे तब तक हम उसको प्रकरण को नहीं लिख सकते। तो बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए हमें प्रस्तावना करनी होती है। प्रस्तावना में जो लास्ट प्रश्न हमारा होता है वो संभावित होता है, जिसका हम टॉपिक बनाते हैं, उस प्रकरण को लिखते हैं। विशेष बात की प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन करना आप ना भूलें, प्रकरण को हमें अंडरलाइन करना ही है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, कि उस जब हम इधर से एंट्री करते हुए इधर की साइड तब आते हैं, और देखिए स्टूडेंट्स, जब हम श्यामपट की एंट्री करते हैं उस समय हमें पूरा ध्यान श्यामपट की तरफ नहीं रखना है, हमें स्टूडेंट्स की तरफ भी अपना ध्यान रखना है। कुछ इस तरीके का कोण हम बनाएं अपने आप का खड़ा होने का, जिससे आपका ध्यान स्टूडेंट्स पर भी रहे और अपने श्यामपट पर भी रहे। नेक्स्ट आ जाता है, उधर हम लिखेंगे कालांश। कालांश का मतलब आपको बता देती हूँ, पीरियड होता है, यानी कि समय होता है कि आपका कालांश कौन सा पीरियड है, फर्स्ट है सेकेंड है, जो भी हमें पीरियड लगते हैं, कालांश जो लगते हैं वो कौन सा लगा है, तो उसकी एंट्री भी करनी होती है। नीचे आपको कालांश कितने समय का लगा है, 30 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का या 35 मिनट का, ऑलमोस्ट 30 मिनट से 25 से 30 मिनट का आपके लिए समय सारणी में दिया हुआ होता है। तो आप वही एंट्री करें कि 25 या 30 मिनट का, 25 से 30 मिनट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं अपने प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण जब हम करते हैं तो स्टूडेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण बात हमने क्या थी, प्रस्तावना की, उद्देश्य कथन किया। उद्देश्य कथन करने के बाद हम सबसे पहले जो भी टीचिंग पॉइंट पढ़ा रहे हैं उसके डेवलपमेंट्री क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि विकासात्मक प्रश्न हमको करने होंगे। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन में जिगजैग का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि उसको आपको अपने जो पाठ है उसका विकास करने के लिए वहाँ पढ़ा रहे होते हैं। तो आप किसी भी तरीके से प्रश्न, कहते हैं ना, सरल और स्पष्ट भाषा में आप प्रश्न बच्चों से पुट अप कर सकते हैं। और फिर आप जब 2 से 3 विकासात्मक प्रश्न आप कर लेते हैं तो अपने शिक्षण बिंदु को आपको श्यामपट पर लिखना है। जैसे ही विकासात्मक प्रश्न किए आपने, अपना पहला टीचिंग पॉइंट वहाँ लिखना है। नेक्स्ट फिर हम उस टीचिंग पॉइंट को, तब हमने लिख दिया तो हमने व्याख्या करनी है, व्याख्यान करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग है, उसकी हमें व्याख्यान करना है, यानी कि हमें उसको विस्तार से बच्चों को बताना है, जिससे कि हम विस्तार से जब हम अपनी प्रतिक्रिया को, उस शिक्षण बिंदु की प्रतिक्रिया को सफल बनाएंगे तो हम बच्चों से उसके अंदर से बोध प्रश्न भी करने होंगे। बोध प्रश्न हमें करने होंगे। बोध प्रश्न भी आपके 2 तो होते हैं, लेकिन वो बोध प्रश्न कौन से होते हैं, जो आपने व्याख्यान किया है, जो आपने व्याख्या की है उसी में से 2 प्रश्न फिर से आपको स्टूडेंट से पूछने होते हैं। देखिए, स्टूडेंट के ध्यान को केंद्रित करने के लिए आपको बच्चों से ये भी बोलना है कि जो भी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ उसको आपको नोटबुक में नोट भी करना है, तो बच्चे क्या है, शोर नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें जो मैनेजमेंट है वो भी साथ साथ सीखना होता है। मैनेजमेंट यानी कि क्लास का मैनेजमेंट, आपको क्या ना तो शोर करना है और ना बच्चों से शोर करवाना है। इसके भी बहुत कहते हैं कि अनुशासन के सबसे ज़्यादा मार्क्स जो होते हैं एक्सटर्नल देता है। एक्सटर्नल क्या देखता है, कॉन्फिडेंस देखता है, पढ़ाने का तरीका देखता है आपका, और आपका अनुशासन, स्वयं का अनुशासन प्लस में आपके जो पढ़ा रहे हैं, जो आपके सामने बैठे हुए स्टूडेंट हैं, उनका अनुशासन देखना है। अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। तो स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। कैसे,
प्रिपेयर होना तो ऐसे पड़ेगा कि आपको अपनी पाठ योजना को तैयार करके आना है, यानी कि भूलना नहीं है वहाँ पे। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे एक्सटर्नल आते ही या कोई भी ऑब्जर्वर वहाँ आता है और बच्चे जो पढ़ा रहे होते हैं वो बिल्कुल डाउन चला जाता है, यानी कि वो भूल जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि क्या पता जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी नॉलेज हमें सिर्फ हमें ही हो, आगे उनको नहीं हो, लेकिन हमें जो नॉलेज है उसको हमें बोलते रहना है, चुप नहीं होना है, क्योंकि हमें पढ़ के आना है। उससे ये चीज़ें मैं आप तक इसलिए पहुंचा रही हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपका जो होता है प्रायोगिक परीक्षा जो होती है वार्षिक पाठ योजना की, ये आपके ही हाथ में होती है। आप जितना अपने आप को सहज और सरल बनाएंगे, जितना आप आत्मविश्वासी बनाएंगे, उतनी ही अच्छे तरीके से आप इस पाठ योजना का कहते हैं कि संपूर्ण इसको कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमने बोध प्रश्न किए तो एक टीचिंग पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आ जाता है हमारा सेकंड, उसी में फिर से हमको डेवलपमेंटल क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद हमें वही व्याख्यान करना है यानी लेक्चर देना है, और लेक्चर ऐसा देना है कि वो बच्चे सुने ध्यान से और उसको नोटबुक में नोट करें, फिर उन्हीं में से हमें बोध प्रश्न दो करने होते हैं। नेक्स्ट सेकंड टीचिंग पॉइंट को हमें कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड टीचिंग पॉइंट पे। थर्ड टीचिंग पॉइंट वही हमारा डेवलपमेंटल क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हमें लेक्चर देना होगा यानी कि व्याख्या व्याख्यान जो भी आपको है वो करना होगा, और बोध प्रश्न उसी में से पूछने होंगे। सबसे बड़ी बात, जो बोध प्रश्न होते हैं वो आपके बोले हुए शब्दों में से ही आपको बोलने होते हैं, पूछने होते हैं, तो स्टूडेंट्स इससे क्या इंटरेस्ट लेता है। पहली बात तो सबसे पहली बात तो यही थी कि हमको टॉपिक ही इंटरेस्टिंग लेना है। वैसे भी बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, पहले से पढ़े हुए होते हैं या तो उसको, तो अगर पढ़े हुए भी नहीं है और आप इस तरीके के अध्यापक उनके सामने बन के जाते हैं तो हो सकता है कुछ बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाए पढ़ाने में। तो हम कुछ ऐसी अभिरुचि पैदा करें, ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया बच्चों के सामने कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के जाएं, जिससे कुछ बच्चे हैं जो रुचि नहीं ले पाते हैं वो रुचि लेने लग जाएं पढ़ने में। लास्ट आ जाता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। तो स्टूडेंट्स मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो हमने जो हमारा टॉपिक पढ़ाया है उसी के अंदर से हमें लेने होते हैं। सबसे पहला क्या होता है मूल्यांकन प्रश्न में हमारा, होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि जो हमारे वस्तुनिष्ठ ऑप्शनल ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आवाज सादा इस तरीके से दिया होता है, तो वो क्वेश्चन कम से कम दो लेने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि हाँ यार सत्य और असत्य में, एक क्वेश्चन वहाँ से लेना होता है। नेक्स्ट तीसरा जो हमारा होता है, कहते हैं ना मूल्यांकन प्रश्न भी 5-6 तरीके के बताए गए हैं, किसी ने 5 तरीके से बताए हैं, किसी ने 6-7 तरीके से बताए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको कम से कम 7 क्वेश्चन मूल्यांकन प्रश्नों के अंदर लेने होते हैं। तो क्या था, दो वस्तुनिष्ठ हो गए, एक सत्य असत्य या हाँ या ना, एक होता है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, तो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 5वां क्वेश्चन आता है हमारा अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि हमें उस प्रश्न को 2 शब्दों में ही आंसर उसका प्राप्त करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न के अंदर एक लाइन के अंदर आपको प्रश्न का आंसर लेना होता है स्टूडेंट से। और लास्ट आ जाता है हमारा क्या आ जाता है, गृह कार्य। अब गृह कार्य का मतलब ये नहीं है कि भाई गृह कार्य दिया है तो देखो, हम जब डेली लेसन प्लान पढ़ाते हैं तो गृह कार्य हम बच्चों को देते हैं और नेक्स्ट डे आकर के अध्यापक अध्यापिका जो भी होते हैं उनको चेक करते हैं, लेकिन गृह कार्य हमें देना ही है जिससे बच्चों का इंटरेस्ट है वो डेवलप होता रहे। इस तरीके की से हमको पाठ योजना को प्रस्तुत करना है। फिर आ जाता है हमारा कि जो अब हमें ध्यान क्या क्या रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण सूचना जो इस वर्ष की है वो ये है कि आपका जो COVID-19 को देखते हुए जो एनुअल लेसन प्लान है वो आपके महाविद्यालय में ही करवाया जाएगा। इसमें भागीदारी आपकी होगी, यानी कि स्टूडेंट्स भी आपको ही बनना है और अध्यापक भी आपको ही बनना है। तो सबसे ज़्यादा कठिन तपस्या आपकी है, क्योंकि देखिए अध्यापक बनने का प्राउड हमें होता है, लेकिन स्टूडेंट बनने का भी हमें प्राउड होना चाहिए कि आगे कोई पढ़ा रहा है उसको हमें पढ़ने की। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि हम कंपटीशनों की तैयारी करते हैं, कंपटीशनों की तैयारी के लिए अगर हम देखें तो ये जो लाभ है वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि कंपटीशन में सारे सब्जेक्टों का घोलमेल आता है। तो आप जैसे बैठेंगे, वो कोई पढ़ाएगा साइंस, कोई मैथ पढ़ाएगा, कोई सामाजिक अध्ययन, भूगोल, जो भी है जो पढ़ाएंगे तो उसकी नॉलेज भी आपको मिलती रहेगी। तो अनुशासन आप बनाए रखेंगे, कीप साइलेंस की स्थिति में रहेंगे, और जो एक्सटर्नल है उनसे डरना नहीं है, वो भी इन्हीं स्टेजों से गुजरे हुए होते हैं, वो जो इतना कुछ
पा लेते हैं वो हमारी श्रेणी से ही जाके पाते हैं, और उन्हें भी हमें भी वही ऊंचाई पाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। तो स्टूडेंट्स, कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, कक्षा वातावरण नीरस नहीं हो पाए, यानी कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में ऐसी कुछ बातें होती रहें या ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक वहाँ जो आप पढ़ा रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बना करके आप उनको अपने तरफ ध्यान को उनके आकर्षित करते रहें। इस तरीके से आपको नीरस नहीं होने देना है वातावरण को, यानी कि अच्छा बना करके रखना है। छात्र अध्यापक के अतिरिक्त उक्त क्रिया यानी कि लगातार होती रहनी चाहिए। जैसे ही आप कक्षा में प्रवेश करते हैं तो आपको बता ही दिया कि मैं आपको क्या क्या करना होता है ये सब। इसके बाद जब हम अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं और तो हमें क्या होता है, एक्शनल देखने वाले को भी, हम जो आपका करवा रहे होते हैं उन लोगों को भी इससे थोड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एक्शनल होते हैं वो कुछ चीज़ें हमें भी छोड़ के जाते हैं कि वाकई में आपने बहुत अच्छा कुछ बच्चों को सिखाया है। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा। स्टूडेंट्स, फिर मैं आपसे एक बार कह रही हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आज तक आपके ग्रुप में डाली हैं उनको फॉलो करते रहिएगा। जिसकी पाठ योजना गलत बनी हुई है प्लीज़ उसको आप वापस से अच्छे तरीके से बनाकर लाइएगा। दो दो टीचिंग पॉइंट लेकर के, टीचिंग एड और एक चार्ट आपको बना करके लाना है। मूल्यांकन प्रश्न आपको, आपको जो दी गई सहायक सामग्री है, श्यामपट जो दिया हुआ है, ब्लैक बोर्ड जो दिया हुआ है महाविद्यालय की ओर से, उस पर आप लिख करके लाइएगा। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अपनी पाठ योजना को रोचक और सुंदर बना सकते हैं, ये आपका आपके हाथ की बात है। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं इतना ही आपको लाइव में बता पा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपके सामने फिर से लेकर के उपस्थित होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा है वो कुछ बच्चों के जो वो हैं रोल नंबर वो हमने डाल दिए हैं, वो इसी तरीके से प्रिपेयर हों और उपस्थित हों, टाइम पर उपस्थित हों। यदि आपकी 9 बजे का टाइम, 8:30 बजे का टाइम हम देते हैं तो आप 8 बजे ही पहुंचने का प्रयास करें। सेकंड ईयर है, कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर में भी यही होता है और सेकेंड ईयर में भी, यानी कि दोनों में। देखिए, सबसे अच्छी बात तो है ये कि आप एक बनने वाले अध्यापक हैं तो आपको टाइम का पंक्चुअल तो होना ही पड़ेगा। तो आपको 8:30 बजे सार्फ कॉलेज के महाविद्यालय के अंदर पहुंचना है। महाविद्यालय में ही आपकी पाठ योजना होगी, महाविद्यालय में ही आपका जो प्रैक्टिकल है वो हो पाएगा। आज की क्लास में आपकी यहीं ख़त्म करती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके की सूचनाएँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नव भारती स्टडी सर्किल पर बने रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।